किसके आधार पर मध्य प्रदेश की जनता के सामने वोट मांगेंगे, राजस्थान छत्तीसगढ़ की जनता के सामने वोट मांगेंगे। 10 साल यूपीए का जो शासन चला, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला शासन के आधार पर मांगेंगे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अनिर्णायक सरकार बनाई, फैसले नहीं लेती थी, नीतिगत बातों में लकवा हो गया था, वो सरकार के आधार पर मांगोगे वोट? देश की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली सुरक्षा नीति लेकर आप आगे बढ़े, इसके आधार पर मांगोगे? अर्थव्यवस्था का बंटा धार कर दिया, इसके आधार पर वोट मांगोगे? या मध्य प्रदेश के अंदर राजा महाराजा और उद्योगपति की आपकी जो टिकड़ी है, इसके आधार पर वोट मांगोगे? जरा आप बताओ तो। मध्य प्रदेश ने कम मौका नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 10 साल पहले तक यहां पर श्रीमान बंटाधार का शासन था। 10 साल तक मध्य प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया, लगभग 45 साल से ज्यादा समय मध्य प्रदेश पर शासन किया, और क्या किया? आजादी के वक्त मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में जो था, उससे भी नीचे ले गए, मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया।